हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही, उसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों में भी उठा पटक शुरू हो चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के बदलाव व चुनावी प्रभार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिए जाने के बाद कई कांग्रेसी दिग्गज नेताओं ने बीजेपी में आस्था जताई है। पानीपत में भी सोमवार को हुड्डा के नज़दीकी रहे युवा कांग्रेसी नेता संजीव मलिक ने अपने हजारों साथियों के साथ भाजपा में आस्था जताते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, जिलाध्यक्ष प्रमोद विज व नगर निगम मेयर अवनीत कौर ने उन्हें विधिवत बीजेपी पार्टी की सदस्यता दिलवा पूरा मान सम्मान का आश्वासन दिया। प्रदेश के हर नागरिक ने, हर युवा ने, हर मतदाता ने एक ही मन बनाया है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का पूरा देश नमन करता है उनकी कार्यशैली पर, हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल की जो कार्यशैली है, लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीट देकर उनके विकास पर मोहर लगाकर सीट दी थी, तो इसलिए हरियाणा प्रदेश में भी जिस प्रकार से केंद्र में हुआ था, हरियाणा प्रदेश में दोबारा माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। हर मतदाता का, हर युवा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगाव है, इसलिए संजीव मलिक के साथ हजारों की संख्या में युवाओं ने हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।